हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मैं हूं पूजा तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं दिस इज द सिक्स लेक्चर ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप ये जो यूनिट सेकंड चल रहा है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप का टॉपिक हमारा चल रहा था उसपे आज हमारा सिक्स लेक्चर है इस लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिस इज वन ऑफ द वेरी important टॉपिक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्टूडेंट्स को इस टॉपिक पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बना रहता है इसीलिए मैं इस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो में कवर कर रही हूँ ठीक है और आज इस लेक्चर में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं तो स्टूडेंट्स आप पेपर और पेन ले करके बैठिएगा और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा ठीक है तो चलिए पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन क्या है, है? ठीक उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से है जो हमें इंटरेस्ट ऑन सिचुएशन बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशन होगी कभी पार्टनर मिडल ऑफ द मंथ में फंड विद्रॉ करेगा कभी पार्टनर बिगनिंग ऑफ द मंथ में विदड्रॉ करेगा कभी क्वार्टरली करेगा ठीक है तो बहुत सारी हम सिचुएशन देखेंगे तो हम टोटल यहाँ पे सेवन सिचुएशन देखेंगे उन सेवन सिचुएशन में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट किया जाता है ये इस लेक्चर में आज हम सीखेंगे ठीक है और सभी जितने सेवन सिचुएशन है उनपे सभी पे बेस्ड हम एक एक न्यूमेरिकल भी लगाएंगे ठीक है तो फिर चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता क्या है ड्रॉइंग हमने पढ़ा था ना ड्रॉइंग हमने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा था जब भी कोई पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए ऑर्गेनाइजेशन से फंड फंड्रॉ करता है दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग ड्रॉइंग उसको drawing कहते हैं अब अगर पार्टनर फंड विद्रॉ कर रहा है ठीक है तो उस उसपे उसे कुछ इंटरेस्ट भी तो पे करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन को ठीक है तो दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इसी को जो इंटरेस्ट पे करता है जो ब्याज पे करता है ड्रॉइंग पर उसी को कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है अब एक खास बात है कि नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा पार्टनर को ठीक है पर इफ नथिंग इज इन द पार्टनरशिप डीट में या जो भी अग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में उसमें अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ऐसा कुछ भी अगर एक्सप्रेस नहीं है मेंशन नहीं किया गया है तो पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा

ठीक है तो कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे तो मैंने अभी बताया ना हम फर्स्ट थ्री केसेस डिस्कस करने जा रहे हैं मतलब फर्स्ट थ्री केसेस क्या है हमने ये तो देख लिया कि जो पार्टनर है वो फिक्स अमाउंट विद्रॉ कर रहा है हर महीने ठीक है बट ये जो हर महीने विद्रॉ कर रहा है ये विड्रॉ कर सकता है एट द बिगनिंग ऑफ द मंथ या विद्रॉ कर सकता है एट द मिडल ऑफ द मंथ या विड्रॉ कर सकता है एट द एंड ऑफ द मंथ ठीक है तो तो ये हो गए तीन केसेस केसेस तो इन तीनों ही में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे ये अब हम देखते हैं ठीक है अब एक चीज है फॉर्मूला कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे एक, इसका एक सिंपल बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह फिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला ये है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिस इज इक्वल टू टोटल अमाउंट विदड्रॉ यानी जो पार्टनर है उसने उस फाइनेंशियल ईयर में टोटल कितना अमाउंट विद्रॉ किया है ठीक है इसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड है 7 परसेंट आठ परसेंट ये क्वेश्चन में दिया रहेगा ठीक है मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड ठीक है इन तीन टर्म को डिवाइड मल्टीप्लाई सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा ठीक है अब इन तीनों ही टर्म में सबसे खास है ये एवरेज पीरियड अगर आपने एवरेज पीरियड निकालना सीख लिया ठीक है एवरेज पीरियड निकालने का लॉजिक आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है तो हमारा मेन फोकस यही होगा एवरेज पीरियड को समझना की कैसे निकाला जाता है ठीक है तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सो द एग्जाम्पल इज आशीष विड्रू पर मंथ फ्रॉम द फर्म फॉर पर्सनल यूज इसमें आशीष एक पार्टनर है जो अपनी पार्टनरशिप फर्म से टेन थाउजेंड रुपीज विड्रॉ कर रहा है हर महीने अपने पर्सनल यूज के लिए ड्यूरिंग द इंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन ठीक है और यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट है एट परसेंट आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है 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 इन यानी तीनों तीनों जो situation अभी हमने discuss की है, उन तीनों ही situation में में क्या होगा ये आपको calculate करना करना समझ में आ गया तो चलिए करना शुरू करते हैं मैंने बताया था कि अगर एवरेज पीरियड आपने कैलकुलेट कर लिया तब आप बहुत आसानी से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं तो एवरेज पीरियड में ही जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं तो एवरेज पीरियड समझने के लिए मैंने ये एक टेबल बनाई है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेगा अच्छा पे कहा गया है ती, दिफरेंग सिच्चुएशन. दिफरेंग सिच्चुएशन तीन तीन मतलब जो अभी हमने किए थे अगर पार्टनर, फर्म से कर रहा है हर मंथ तो तीन केसेस हो सकते हैं या तो वो स्टार्टिंग में कोई भी मंथ स्टार्ट हो रहा है मैं एस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ या तो पार्टनर स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में फंड विड्रॉ करेगा या फिर मिडिल ऑफ द मंथ में फंड विद्रॉ करेगा या फिर लास्ट डे ऑफ द मंथ में फंड विदड्रॉ करेगा ठीक है तो हम चलिए पहला केस देखते हैं जब पार्टनर स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट तारीख को फंड विदड्रॉ कर रहा है तो ये मैंने एक टेबल बनाई है ठीक है इसमें यानी ये जो आशीष पार्टनर है ये कब फंड फंड्रॉ कर रहा है फर्स्ट अप्रैल को कर रहा है फर्स्ट मे को कर रहा है फर्स्ट जून को फर्स्ट जुलाई को फर्स्ट अगस्त को ऐसे ही पूरे साल पूरे फाइनेंशियल ईयर इसने फर्स्ट मार्च तक फंड विदड्रॉ किया है ठीक है कितना अमाउंट विदड्रॉ किया है टेन थाउजेंड किया है हर बार इसने टेन थाउजेंड पूरे मार्च तक इसने विद्रॉ किया है फिर इसके बाद अब जो अगला कॉलम है टाइम पीरियड ये बहुत इंपॉर्टेंट है एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने में यही हमें कंसीडर करना है ये कॉलम टाइम पीरियड तो ध्यान से देखिएगा अगर ये जो आशीष है ये अगर फर्स्ट अप्रैल को फंड फंड्रॉ कर रहा है ठीक है तो कितने महीने के लिए फंड कर रहा है ट्वेल्व मंथ के लिए कर रहा है और अगर फर्स्ट मे को फंड विदड्रॉ कर रहा है तब कितने महीने के लिए कर रहा है 31 मार्च तक अगर हम बात करें इस साल के फर्स्ट मे से लेके अगले साल के 31 मार्च तक अगर हम बात करें तो कितने महीने के लिए फंड विदड्रॉ कर रहा है 11 मंथ के लिए और अगर फर्स्ट जून को फंड फंड्रॉ कर रहा है तब कितने के लिए अब यहाँ पे देखते हैं अगर फर्म अगर ये जो आशीष है इसने अगर फंड विद्रॉ किया है फर्स्ट फेब को तो कितने महीने के लिए किया है दो महीने के लिए अगर फर्स्ट मार्च को किया है तो कितने महीने के लिए फंड विद्रॉ हुआ एक महीने के लिए ठीक है तो इस तरीके से ये मैंने टाइम पीरियड की टेबल बनाई है ठीक है अब आपको क्या फाइंड आउट करना है आपको फाइंड आउट करना है एवरेज पीरियड क्या फाइंड आउट करना है ये एवरेज पीरियड ठीक है तो एवरेज पीरियड कैसे फाइंड आउट होता है एवरेज पीरियड के लिए क्या करते हैं फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू यानी ट्वेल्व प्लस वन डिवाइडेड बाई टू ऐसे ही तो एवरेज निकालते हैं फर्स्ट क्या है ट्वेल्व और लास्ट क्या है वन 12 plus 1 divided by 2, ऐसे निकलेगा बहुत आसान होता है है ठीक अगर पहली तारीख को फंड विद्रॉ हो रहा है तो आप क्या करेंगे टाइम पीरियड फाइंड आउट करेंगे कि वो जो फंड फंड्रॉ किया है वो कितने ड्यूरेशन के लिए विदड्रॉ किया है उस फाइनेंशियल ईयर में ठीक है और उसमें पहला प्लस लास्ट आइटम और डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो आपका आ जाएगा ठीक है तो देखिए पे किया ठीक है फिर उसके बाद क्या करेंगे यानी एवरेज पीरियड हमारा कैलकुलेट हो गया अब हम अगला करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या क्या फॉर्मूला है टोटल अमाउंट विद्रॉ यानी पूरे साल में कितना फंड विद्रॉ हुआ है तो अगर दस दस हजार के हिसाब से देखें तो 12 महीने में वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड विद्रॉ हुआ है ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एट परसेंट यानी डिवाइडेड बाय 100 ठीक है फिर उसके बाद एवरेज पीरियड एवरेज पीरियड क्या है 13 बाय 2 ना तो 13 बाय 2 ये मंथ में है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई करेंगे तो हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आपका कैलकुलेट हो गया फाइव नाउ द नेक्स्ट केस अगला केस क्या है फंड इज एट दंथर पार्टनर है अगर वो फंड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द मंथ तो उस केस में कैसे एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे और कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो इसके लिए भी फिर से आपको वैसी ही टेबल बनानी होगी ठीक है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है सबसे पहले डेट हम देख लेते हैं यानी अगर वो लास्ट डे ऑफ द मंथ अगर फंड फंड्रॉ कर रहा है तो यानी कितने तारीख को कर रहा है थर्टी फर्स्ट मार्च को थर्टी फर्स्ट जुलाई को थर्टी अगस्त को थर्टी एथ सेवेंटी एट फेब को थर्टी मार्च को, को, so को, को यानी इन तारीख को कर रहा है विड्रॉ ठीक है कितना अमाउंट विड्रॉ कर रहा है हर बार वो टेन थाउजेंड का अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ठीक है अब चलिए देखते हैं टाइम पीरियड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो थर्टीएथ अप्रैल को फंड विथड्रॉ कर रहा है पार्टनर ठीक है तो यानी वो कितने ड्यूरेशन के लिए कर रहा है 11 मंथ के लिए फंड विथड्रॉ कर रहा है ठीक है 30th अप्रैल से लेके अगले साल के 31st मार्च तक कितने महीने होते हैं 11 महीने होते हैं ना तो इसीलिए यहाँ पे 11 है ठीक है 31st मई को अगर फंड विथड्रॉ कर रहा है तो फिर कितने महीने हुए 10 महीने हुए क्यों दस महीने हुए क्योंकि देखिए मई तो पूरा निकल गया और अप्रैल पूरा निकल गया तो मई के आगे से आप काउंट करेंगे यानी जून से काउंट करेंगे तो जून से मार्च तक में कितने महीने होते हैं दस महीने तो इसलिए दस महीने ऐसी अगर थर्टी जून को विड्रॉ कर रहा है तो नौ महीने थर्टी जुलाई को कर रहा है तो आठ महीने ठीक है इसी तरीके से सारा है फिर अगर पार्टनर ट्वेंटी फेब को फंड विद्रॉ कर रहा है यानी केवल मार्च भर के लिए तो वो अमाउंट आउटस्टैंडिंग था वो अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन से आउट था ठीक है तो यानी एक महीने और अगर पार्टनर थर्टी फर्स्ट मार्च को विड्रॉ कर रहा है तो कोई टाइम ड्यूरेशन होगा नहीं कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होगा इसलिए जीरो है ठीक है तो एवरेज पीरियड इस केस में कैसे निकालेंगे हम जानते हैं क्या करते हैं हम फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई टू यानी इलेवन प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू यही तो किया जाता है एवरेज पीरियड निकालने के लिए देखिए पे किया गया है एवरेज पीरियड कैसे निकाला है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय टू किया गया है तो कितना आ गया इलेवन बाई टू ठीक है इलेवन बाई टू आ गया तो इलेवन बाई टू आया इसका मतलब क्या है फाइव एंड हाफ मंथ लिख सकते हैं इलेवन बाई टू को ठीक है तो इस तरीके से एवरेज पीरियड निकाला गया है ठीक है अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें पता टोटल जो पूरे साल में विड्रॉ किया है तो यहाँ अमाउंट कितना, कितना है और एवरेज पीरियड कितना है इलेवन बाई टू यानी इलेवन से मल्टीप्लाई किया टू से डिवाइड किया और ये मंथ में है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए ट्वेल्थ से डिवाइड किया आगे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना ठीक है, बहुत आसान है नेक्स्ट केस तीसरा केस क्या था कि अगर आशीष फंड विद्रॉ करता है एट द मिडल ऑफ द मंथ यानी महीने के बीच में विद्रॉ करता है तो उस केस में भी ऐसे मैंने टेबल बनाई है देखिए अगर मिडिल ऑफ द मंथ में फंड फंड्रॉ कर रहा है तो इसका मतलब क्या है फंड फंड्रॉ कर रहा है 15 को, 15 अप्रैल को, टेन थाउजेंड कर, कर, कर रहा है हर बार जैसे बाकी एग्जाम्पल में ठीक है ठीके? अब हम जरा टाइम पीरियड समझते हैं अगर पार्टनर अगर ये जो आशीष पार्टनर है इसने अगर फिफ्टीन अप्रैल को फंड विदड्रॉ किया है ठीक है तो अप्रैल का आधा महीना ठीक है और मई से लेके मार्च तक में कितने महीने होते हैं ग्यारह महीने होते हैं ठीक है तो फिर कितना टाइम पीरियड आया इलेवन पॉइंट फाइव

ठीक है तो इस तरीके से ये टाइम पीरियड निकाला है और एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए क्या करेंगे फर्स्ट आइटम प्लस लास्ट आइटम डिवाइडेड बाई टू यानी इलेवन पॉइंट फाइव प्लस डिवाइडेड बाई टू ठीक है ये देखिए यहाँ पे किया गया है इलेवन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई टू यानी ट्वेल्व डिवाइड बाई टू यानी सिक्स मंथ यानी अगर पार्टनर मंथ के बीच में फंड विदड्रॉ करता है तो क्या होता है एवरेज पीरियड होता है मंथ ठीक है 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 और इंटरेस्ट ऑन हमें पता है, one lakh 20, 000, जो पूरे साल की drawing है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से ठीक है फिर उसको हम एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते हैं यानी सिक्स मंथ से यानी मल्टीप्लाइड बाई सिक्स डिवाइडेड बाई ट्वेल्व आ गया हमारा आंसर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फोर्टी बहुत आसान है कैलकुलेट करना देखा अगर ये टाइम पीरियड ये जो टेबल मैंने बनाई है ना ये वाली टेबल ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है और वैसे ये इतनी डिफिकल्ट है नहीं आप कर लेंगे और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो आप एक बार वीडियो रिवाइंड करके दोबारा जरूर देखिएगा ठीक है चलिए अब अगले टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट है हम अलग अलग केसेस पढ़ रहे थे हमने इस लेक्चर में सेवन केसेस डिस्कस करने हैं ठीक है ठीके? तीन केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं अगला चौथा केस हम देखने जा रहे हैं अगर पार्टनर फिक्सड अमाउंट विदड्रॉ कर रहा है ठीक है एवरी क्वार्टर हर क्वार्टर में फिक्सड अमाउंट विद्रॉ कर रहा है तब उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे निकालेंगे ये अब हम देखने जा रहे हैं ठीक है क्वार्टर मतलब क्या होता है क्वार्टर मतलब किसी भी चीज को फोर पार्ट्स में डिवाइड करना दिस इज क्वार्टर तो वन ईयर को अगर फोर पार्ट में डिवाइड करें तो तीन तीन महीनों के स्लॉट बनेंगे तो इन्हीं तीन तीन महीनों के स्लॉट को हम क्वार्टर कहते हैं ठीक है मार्च से लेके जून तक का एक क्वार्टर होता है ठीक है ऐसे जुलाई से एक क्वार्टर होता है एक अक्टूबर से एक क्वार्टर होता है और एक जनवरी से एक क्वार्टर होता है ठीक है तो अब केस वन क्या है केस वन है कि पार्टनर अगर विद्रॉ कर रहा है फंड एट द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर यानी फर्स्ट डे ऑफ द क्वार्टर यानी जब भी कोई क्वार्टर शुरू हो रहा है तो उसके फर्स्ट डे को अगर विड्रॉ कर रहा है तब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किया है और अगर एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर क्वार्टर के एंड में अगर फंड विद्रॉ कर रहा है तब उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या है ये हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट होगा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं सतीश एंड तिलक आर टू पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली सतीश और तिलक दो पार्टनर हैं पार्टनरशिप फर्म में ये प्रॉफिट लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर है, है 2015-16 और जो सतीश है वो विदड्रॉ कर रहा है थर्टी थाउजेंड रुपीज क्वार्टरली वो क्वार्टरली थर्टी थाउजेंड रुपए करता है ठीक है अपने पर्सनल यूज के लिए और जो चार्ज लग रहा है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है पे दैट इज ठीक है तो आपको कैलकुलेट करना है एवरेज पीरियड एंड इंटरेस्ट ऑन ठीक है तो चलिए करना शुरू करते हैं आ, इसका जो सॉल्यूशन है अब ये जो हम देखेंगे कि कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे क्वार्टर के केस में तो इसमें मैं आपको दो मेथड बताने जा रही हूँ ठीक है एक है लॉन्ग मेथड और एक है वेरी शॉर्ट मेथड ठीक है पर पहले हमें लॉन्ग मेथड भी पता होना चाहिए इससे हमारा क्लियर होता है कि ये कैसे इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट होता है तो हमें लॉन्ग मेथड भी जानना चाहिए बाकी आप एग्जाम में शॉर्ट मेथड से करिएगा मुझे भी शॉर्ट मेथड ज्यादा सही लगता है टाइम भी सेव होता है बट पहले हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कैसे हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे ठीक है तो केस वन ये केस वन पहले डिस्कस करते हैं केस वन क्या है कि इफ द अमाउंट इज विद्रॉ एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर यानी हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर फंड विद्रॉ हो रहा है तो उस केस में ऐसे करके आप एक टेबल बनाएंगे ठीक है पहला कॉलम है डेट का डेट uh, में बताया गया है कि किन किन तारीख को वो फंड विद्रॉ कर रहा है तो हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में यानी अप्रैल को विड्रॉ कर रहा है फर्स्ट जुलाई को विद्रॉ कर रहा है फर्स्ट अक्टूबर को, को कर रहा है फर्स्ट जनवरी को कर रहा है ठीक है कितना अमाउंट विद्रॉ कर रहा है हर बार वो थर्टी थाउजेंड का अमाउंट विद्रॉ कर रहा है ठीक है अब एक बात है टाइम पीरियड जो अभी हमने लास्ट स्लाइड पे देखा था ना हमने वहां पे भी टाइम पीरियड निकाला था यहाँ पे भी एकदम सेम वैसे ही टाइम पीरियड निकालेंगे अगर पार्टनर फर्स्ट अप्रैल को फंड विड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने के लिए विड्रॉ कर रहा है बारह महीने के लिए क्योंकि क्यों बारह महीने के लिए क्योंकि फर्स्ट अप्रैल से लेके अगले साल के थर्टी फर्स्ट मार्च तक बारह महीने होते हैं ठीक है इसलिए बारह महीने के लिए विद्रॉ कर रहा है ठीक है हम फाइनेंशियल ईयर टू थाउजेंड की बात कर रहे हैं ठीक है ठीके? अब अगर फर्स्ट जुलाई को विड्रॉ कर रहा है तो कितने महीने के लिए नौ महीने के लिए फर्स्ट अक्टूबर को कर रहा है तो कितने महीने के लिए छह महीने के लिए फर्स्ट जनवरी को कर रहा है तो कितने महीने के लिए तीन महीने के लिए यहां तक समझ में आ गया टाइम पीरियड हमें समझ में आ गया अब ये जो लॉन्ग मेथड है इसमें इसको प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं ठीक है इसमें हम क्या करेंगे हर बार जब वो ड्रॉइंग कर रहा है तब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे जब जब ये जो पार्टनर था सतीश इसने अप्रैल को ड्राइंग की ठीक है तो हम इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट विदड्रॉ किया मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एट परसेंट तो एट से मल्टीप्लाई किया है हंड्रेड से डिवाइड किया है और फिर मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ये वन लिखा है ये वन कैसे आया है एक्चुअली ये ट्वेल्व बाई ट्वेल्व है तो इसको हमने काटा है तो आया है वन यहाँ पे मतलब बारह महीने के लिए विड्रॉ हुआ है ठीक है तो बारह महीने और महीने को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई ट्वेल्व करेंगे तो इन दोनों को काट के ये वन लिखा गया है ठीक है तो हम हर ड्रॉइंग पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो जब उसने फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ किया तब जब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया तो वो आया ट्वेंटी फिर सतीश ने जब फर्स्ट जुलाई को विड्रॉ किया ठीक है तो फिर से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट कितना है थर्टी थाउजेंड ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एट परसेंट यानी मल्टीप्लाइड बाई एट डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है टाइम पीरियड क्या है नाइन मंथ तो मल्टीप्लाइड बाय नाइन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व ठीक है तो ये कैलकुलेट हुआ एटीन हंड्रेड आया ठीक है ऐसे ही जब उसने फर्स्ट अक्टूबर को विद्रॉ किया तो फिर से कितना अमाउंट विद्रॉ किया थर्टी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट कितने महीने के लिए छह महीने के लिए ठीक है तो आ गया ट्वेल्व हंड्रेड ऐसे ही जब उसने फर्स्ट जनवरी को विद्रॉ किया तो कितना विद्रॉ किया थर्टी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट कितने महीने के लिए तीन महीने के लिए ठीक है तो यानी हमने चारों पर जब चारों क्वार्टर में जब वो ड्रॉइंग कर रहा है तो उन केसेस में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और सिंपली इन चारों को हमने क्या कर लिया सम कर लिया तो हमारा टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है उसका अमाउंट कैलकुलेट हो गया है कितना आया है सिक्स थाउजेंड ठीक है तो दिस इज द लॉन्ग मेथड ये एक लंबा तरीका है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने का क्वार्टर के केस में जब आपको क्वार्टरली विड्रॉइंग हो रही है तब ठीक है ये कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है क्योंकि इससे लॉजिक समझ में आ रहा है टाइम पीरियड का लॉजिक समझ में आ रहा है ठीक है बट चलिए मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ वो मुझे ज्यादा पसंद है उससे झटपट क्वेश्चन हो जाएगा हम फॉर्मूला जानते हैं फॉर्मूला जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कि कितना अमाउंट पूरे साल में विड्रॉ हुआ है तो बताइए कितना अमाउंट विदड्रॉ हुआ है वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड हुआ है ये देखिए यहाँ पे थर्टी 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 फोर टाइम यानी वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड विद्रॉ हुआ है ठीक है ये लिख लिया मल्टीप्लाइड बाई हम मल्टीप्लाई किससे करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है एट परसेंट मल्टीप्लाइड बाई एट डिवाइड बाई हंड्रेड ठीक है फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते थे एवरेज राइटिंग बहुत खराब बन रही है एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करते थे तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा मैंने बताया था फर्स्ट आइटम प्लस लास्ट आइटम डिवाइडेड बाई टू यानी ट्वेल्व प्लस डिवाइडेड बाई टू हमारा आच आएगा ना एवरेज पीरियड तो कितना आएगा फिफ्टीन बाई टू आएगा फिफ्टीन बाई टू तो यही लिखा है फिफ्टीन बाई टू ठीक है तो एवरेज पीरियड आ गया फिफ्टीन बाई टू और इसको ये मंथ में है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई ट्वेल्व किया हमने तो सिंपली इसको आप कैलकुलेट करेंगे आ गया आपका अमाउंट सिक्स थाउजेंड ठीक है तो ये तो बहुत आसान है सिंपली एक फॉर्मूले से आपने कैलकुलेट कर लिया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है बट ये भी पता होना चाहिए लॉन्ग मेथड भी पता होना चाहिए लॉन्ग मेथड में क्या किया गया है हर ड्रॉइंग पे जब जब उसने ड्रॉ किया है तब तब हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और उन सबको सम किया और जो दूसरा मेथड है ठीक है उसमें हमने क्या किया है दूसरे मेथड में हमने पूरा कैलकुलेट किया है कि पूरे साल मिलाकर उसने कितना विद्रॉ किया ठीक है और उस पर हमने फिर रेट लगाया और उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई किया ठीक है समझ में आ गया यहाँ तक चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगर ये जो सतीश पार्टनर है अगर ये फंड फंड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ द क्वार्टर क्वार्टर के एंड में कर कर रहा रहा है 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 ठीक तो इसका मतलब कब जून, तो जून, तो जून को कर रहा है फर्स्ट क्वार्टर तो थर्टी जून को फिनिश होता है है ना ठीक तो जून को कर रहा है थर्टी सितंबर को कर रहा है थर्टी दिसंबर को कर रहा है और थर्टी मार्च को कर रहा है अगर एंड ऑफ द क्वार्टर कर रहा है ठीक है कितना अमाउंट विडड्रॉ कर रहा है थर्टी थाउजेंड हर बार वो थर्टी थाउजेंड अमाउंट विड्रॉ कर रहा है ठीक है अब टाइम पीरियड देखते हैं अगर सतीश थर्टी जून को फंड विद्रॉ कर रहा है ठीक है तो कितने महीने के लिए विड्रॉ हुआ तो उस केस में हम कैलकुलेशन से शुरू करेंगे जुलाई से शुरू करेंगे ना फर्स्ट जुलाई से शुरू करेंगे तो जुलाई से लेकर के थर्टी फर्स्ट मार्च तक कितने महीने होते हैं नौ महीने होते हैं तो यानी नौ महीने के लिए अगर थर्टीय सेप्टेम्बर को कर रहा है तो हम फर्स्ट अक्टूबर से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे ना तो कितने महीने होंगे छह महीने अगर थर्टी फर्स्ट दिसंबर को कर रहा है तो तीन महीने थर्टी फर्स्ट मार्च को कर रहा है तो जीरो महीने ठीक है फिर इसमें भी मैं आपको दोनों मेथड से बता रही थी ना तो दोनों मेथड में पहला मेथड देखते हैं लॉन्ग मेथड लॉन्ग मेथड में हर ड्रॉइंग जब जब वो ड्रॉ कर रहा है विद्रॉ कर रहा है ठीक है तब तक हम क्या कैलकुलेट करेंगे उसका इंटरेस्ट तो सेम वही तरीका है कितना अमाउंट विद्रॉ कर रहा है थर्टी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट कितने महीने के लिए कर रहा है नौ महीने तो नाइन बाई ट्वेल्व तो अमाउंट कितना आ गया एटीन हंड्रेड फिर दूसरी बार जब ड्रॉ कर रहा है तो कितना कर रहा है थर्टी थाउजेंड ठीक है रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट कितने महीने के लिए सिक्स मंथ के लिए तो सिक्स बाई तो कितना आ गया ट्वेल्व हंड्रेड तीसरी बार जब ड्रॉइंग कर रहा है तो कितना कर रहा है थर्टी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट कितने महीने के लिए तीन महीने के लिए तो कैलकुलेट किया आगे आपका सिक्स थाउजेंड uh, नहीं ये कुछ अमाउंट में मिस uh, प्रिंट है आप इसको कैलकुलेट करिएगा ठीक है यहाँ ये यह मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ ये आपको कैलकुलेट करना है ठीक है यहाँ पे सिक्स थाउजेंड नहीं आ सकता यहाँ पे सिक्स थाउजेंड नहीं होगा कुछ और होगा ठीक है तो जो भी अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर फाइनली जब वो थर्टी फर्स्ट मार्च को विद्रॉ कर रहा है ठीक है तो बताइए इंटरेस्ट क्या होगा इंटरेस्ट विल बी जीरो वाई जीरो क्योंकि टाइम पीरियड जीरो है ठीक है तो इंटरेस्ट जीरो आ जाएगा फिर आप फाइनली इन तीनों को सम करेंगे तो आपका आ जाएगा

आर डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल यानी जब पार्टनर अमाउंट करता है ठीक है एट डिफरेंट इंटरवल अभी तक आपने जितने भी केसेस देखे थे एक क्वेश्चन में पार्टनर टेन थाउजेंड विदड्रॉ कर रहा था हर बार एक क्वेश्चन में पार्टनर थर्टी थाउजेंड विदड्रॉ कर रहा था हर बार बट क्या एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में जनरली ऐसा नहीं होता है पार्टनर को जितने की रिक्वायरमेंट है उतना विड्रॉ करेगा शायद एक बार दस हजार करेगा अगले बार पंद्रह हजार करेगा या शायद उसके बाद पाँच हजार करे तो अमाउंट जो होता है हर बार वेरी भी कर सकता है और जो इंटरवल है यानी कितने ड्यूरेशन पे वो विड्रॉ करता है ये भी तो वेरी कर सकता है तो इस केस में कैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करेंगे ठीक है वो अब हम देखने जा रहे हैं ठीक है तो उस केस में जो मेथड हम यूज करते हैं दैट इज प्रोडक्ट मेथड अगर आपका ड्यूरेशन भी वेरी करे और अमाउंट भी वेरी करे तो उस केस में आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना होता है ठीक है तो प्रोडक्ट मेथड में क्या करते हैं हम ईच विड्रॉल फॉर ईच विड्रॉल यानी हर विड्रॉल के लिए हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ठीक है तो प्रोडक्ट क्या होगा प्रोडक्ट होता है कितना पैसा उसने विद्रॉ किया मल्टीप्लाइड पीरियड यानी कितने ड्यूरेशन के लिए उसने विद्रॉ किया तो हम उसमें हर ड्राइंग पे वो प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं ठीक है और फिर उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं टोटल कर देते हैं और फिर उस टोटल अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं फॉर वन मंथ ठीक है एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ दोबारा सुनिएगा ठीक है अगर ऐसा केस है कि पार्टनर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ कर रहा है डिफरेंट इंटरवल पे तो उस केस में वी यूज प्रोडक्ट मेथड उस केस में हम प्रोडक्ट मेथड यूज करते हैं ठीक है प्रोडक्ट मेथड में क्या किया जाता है कि हर विड्रॉल पे जब जब वो विड्रॉ कर रहा है उस केस में हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं और प्रोडक्ट कैसे निकलेगा कितना मनी विद्रॉ कर रहा है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से कितने ड्यूरेशन के लिए विड्रॉ कर रहा है ठीक है तो वो प्रोडक्ट्स आ जाएंगे फिर उसके बाद उन प्रोडक्ट को हम करेंगे टोटल उस प्रोडक्ट को हम टोटल कर देंगे और फिर इस टोटल अमाउंट पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर वन मंथ ठीक है ये जो प्रोडक्ट है उसको टोटल जो हमारा आया है उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वन मंथ एट द स्पेसिफाइड रेट जो भी रेट क्वेश्चन में दिया है उसपे एक एग्जाम्पल करते हैं तो ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन है कि शहनाज शहनाज फॉलोइंग अमाउंट फ्रॉम हर फर्म शहनाज है उसने विड्रॉ किया है कुछ अमाउंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन से पर्सनल यूज के लिए फॉर द ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन Uh, आपको फाइंड आउट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय प्रोडक्ट मेथड आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड आउट करना है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है सेवन परसेंट पर एन ठीक है तो आपको है, तो हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना है तो करना शुरू करें सबसे पहला स्टेप क्या मैंने बताया था प्रोडक्ट मेथड में जितना अमाउंट उसने विदड्रॉ किया है उसको हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं टाइम पीरियड से ठीक है जितना अमाउंट विड्रॉ किया है उसको टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऐसे करके आप टेबल बना लीजिएगा पहला कॉलम डेट का कब कब उसने विड्रॉ किया है ठीक है और अमाउंट का कॉलम कितना अमाउंट विड्रॉ किया है ठीक है ये क्या है टाइम पीरियड का कॉलम टाइम पीरियड मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए विड्रॉ किया है अगर फर्स्ट अप्रैल को विड्रॉ किया है तो बारह महीने के लिए तीस जून को विद्रॉ किया है तो नौ महीने के लिए थर्टी फर्स्ट अक्टूबर को विद्रॉ किया है तो पांच महीने के लिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर को विद्रॉ किया है तो तीन महीने के लिए ठीक है ऐसी फर्स्ट मार्च को किया है तो एक महीने के लिए तो हमारा टाइम पीरियड निकल के आया तो प्रोडक्ट मेथड में अभी मैंने बताया था कि अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम पीरियड से तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आया वन लैक नाइनटी टू थाउजेंड जब हमने 16,000 को मल्टीप्लाई किया 12 महीने से तो आया 1,92,000 लाख ऐसी जब 15,000 को हमने मल्टीप्लाई किया नाइन मंथ से तो आया वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड और ऐसी हम सबको मल्टीप्लाई करके अमाउंट इधर लिखेंगे तो ये हमारे आ गए सबके प्रोडक्ट ठीक है फिर इसके बाद क्या करेंगे इनको सम करेंगे टोटल कर लेंगे तो हमारा आ गया फोर लाख थर्टी थाउजेंड ठीक है फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर वन मंथ ये जो टोटल अमाउंट आया है इस पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे फॉर वन मंथ तो फिर सम ऑफ प्रोडक्ट यानी ये जो फोर लैख थर्टी थाउजेंड है सेवन परसेंट यानी सेवन डिवाइडेड बाई हंड्रेड ठीक है 7%, 7 100, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई वन बाई ट्वेल्व यानी वन मंथ के इंटरेस्ट आप निकालेंगे ठीक है तो फिर ये देख ठीक तो है तो देखिए यहाँ पे किया हुआ है सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है फोर लैख थर्टी थाउजेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेवन परसेंट है ठीक है और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन से डिवाइड करेंगे ट्वेल्व से क्यों क्योंकि इंटरेस्ट वन मंथ का निकालना है ठीक है फिर आपने ये पूरा कैलकुलेट किया तो आपका आ गया थर्टी थाउजेंड वन हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेल्व तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये आएगा ठीक है तो समझ में आया है कैसे हुआ बहुत आसान है सिंपली आप आपने क्या किया है अमाउंट जितना अमाउंट विद्रॉ कर रहा है पार्टनर उसको हमने मल्टीप्लाई किया है टाइम पीरियड से ठीक है और मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आए हैं उनको हमने सम कर दिया है तो टोटल अमाउंट फाइंड आउट कर लिया है और इस टोटल अमाउंट पे फिर वन मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं सिंपल तरीका है दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड इसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं जब और ये मेथड कब यूज किया जाता है जब पार्टनर विड्रॉ कर रहा हो डिफरेंट अमाउंट इन डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम ठीक है अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग अमाउंट विड्रॉ हो तब हम ये मेथड यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड ठीक है समझ में आ गया होगा चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं लास्ट केस है केस सेवन इसमें क्या है सपोज करिए कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं जहां पे आपको डेट ऑफ विड्रॉल दिया ही नहीं हुआ हो डेट ऑफ विड्रॉल यानी कितनी तारीख को पार्टनर ने फंड विड्रॉ किया है ये आपको नहीं स्पेसिफाई किया गया है क्वेश्चन में ठीक है आपको टोटल अमाउंट तो दिया गया है ठीक है कि पार्टनर ने कितना फंड विड्रॉ किया है ये तो दिया गया है लेकिन उसने कितनी तारीख को विड्रॉ किया है ये नहीं दिया है ठीक है तो उस केस को आप कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग अब देखने जा रहे हैं तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं कि जो विड्रॉल हुआ है दैट इज इवेंटली जो विड्रॉल हुआ है वो थ्रू आउट ईयर पूरे साल हुआ है इवेंटली यानी सिस्टमैटिक मैनर में पार्टनर ने विड्रॉ किया है ठीक है तो इसमें ये अज्यूम किया जाता है और उसके बेसिस पे आप इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करते हैं ठीक है चलिए एक एग्जांपल देखते हैं जैसे एग्जांपल है शालिका एक पार्टनर partner है पार्टनरशिप फर्म में उसने विद्रॉ किया है सिक्सटी थाउजेंड ठीक है ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग थर्टी मार्च टू जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है एट पर एनम तो आपको कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ठीक है तो हम जानते हैं अगर हमें यहाँ पे डेट नहीं दी है कि पार्टनर ने कब फंड विदड्रॉ किया है ठीक है तो उस केस में हम ये मानते हैं कि जो पार्टनर है शैलिका इसने फंड इवनली थ्रू आउट द ईयर विद्रॉ किया है ठीक है तो उस केस में अगर कोई पार्टनर पूरे ईयर फंड विद्रॉ करता है यानी मिडल ऑफ द मंथ में पूरे साल बारह महीने फंड विद्रॉ करता है तो उस केस में हमने देखा था एवरेज पीरियड कितना आता है बताइए एवरेज पीरियड कितना आता था एवरेज पीरियड आता था सिक्स मंथ ठीक है तो फिर एवरेज पीरियड सिक्स लेके इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे देखिए पे किया गया है ठीक है ठीक एवरेज पीरियड सिक्स मंथ लेके सोल्व किया गया है ये देखिए जो पार्टनर है शैलिका उसने इस पूरे साल कितना फंड विदड्रॉ किया सिक्सटी थाउजेंड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट परसेंट और हम एवरेज पीरियड यहाँ क्या करेंगे सिक्स मंथ ठीक है हम मानेंगे कि उसने मिडिल ऑफ द मंथ महीने के बीच में पूरे साल फंड फंड्रॉ किया है ठीक है तो उसके एवरेज पीरियड ठीक है तो इसलिए हमने मल्टीप्लाइड ट्वेल्व किया है और फिर फाइनली हमारा सोल्यूशन आ गया ट्वेंटी फोर हंड्रेड ठीक है समझ में आ गया बहुत ही आसान है अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा मैं आपके डाउट क्लियर करूंगी नहीं तो आप वीडियो को एक बार दोबारा रिवाइंड करके आप देखिएगा ठीक है मुझे कंफर्म uh, है कि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा ठीक है तो चलिए दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर थैंक यू और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली इसको लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ओके ओके सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर अ गुड डे